संत महात्मा सत्संग मंडली सभी को कानदास की ओर से अभिनंदन शब्दों से श्रवण। बड़े दुखी बात है कि आज से 11 दिन पहले अपने बुराराम जी और जीवन राम जी की माता का देहांत हो गया। संसार के अंदर सब कुछ चीज मिल सकती है लेकिन मात पिता नहीं मिलते। माँ महात्मा और परमात्मा ये विशेष जीवन में माँ बचपन को स्वार्थी है, महात्मा जवानी को स्वार्थी है। जवानी के अंदर पागलपन आता है तो महात्मा सत उपदेश देकर के उसको सही रास्ते पर लाते हैं और परमात्मा तो हर टाइम स्वार्थी ही रहती है। मात पिता गुरु पूज लो, सदा रहो आधीन, मन में नीचे ठान लो, यही देवता है। मात पिता और गुरु ये तीन देवता है। देवता किसको कहते हैं? देवता कहते हैं देने वाले। माँ बाप ने अपने को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए वो अपने लिए देवता है। और गुरु महाराज अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, इसलिए ये तीन देवता पूजनीय है। देवता तो बड़ा है, 33 करोड़ बताया है महापुरुषों ने अपने शास्त्रों में। तो बाका आपा तो पूरी उम्र के मान नाम ही को ले सका 33 करोड़ का, लेकिन मुख्य देवता तीन ही है। लोग भाग लगाते हैं फल खाने के लिए, संतान को पालते हैं बुढ़ापे के लिए। मध्यो शिक्षा अंतरिक्ष छूने की शिक्षा देनी है तो देवों माँ बाप के चरण छूने की। अंतरिक्ष को छूने वाले सुमंत्र हो जाएंगे, धरती से जुड़े रहेंगे, वे रिश्ते निभाएंगे, वे रिश्ते निभाएंगे। संतान को धनवान बनाने की कोशिश मत करो, गुणवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, धनवान तो अपने आप ही बन जाएंगे। बताया है पूत कपूत काहे को धन संचे, पूत सपूत काहे को धन संचे। पूत अगर सपूत है तो क्यों धन बेड़ो करे, वो तो खुद ही कुमा ले जी, खुद ही बेड़ो करे। और पूत कपूत है तो क्यों धन बेड़ो करे, वो तो नाश के रास्ते लगा। तो स्वास्थ्य का भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे परम सुख है अपना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति अपन ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए अपने घर के अंदर बहुत सी परेशानियां अपने आप आ जाती है। स्वास्थ्य लाभ जरूरी है, परम लाभ है स्वास्थ्य लाभ। सात सुख बताया, बामे पहलो सुख है निरोगी काय। निरोग रोला ते खुद ने भी संभालोला, परिवार ने भी संभालोला, गांव का ने भी संभालोला, देश ने भी संभालोला। अर्थे स्वस्थ नहीं हो तो ते थाकी भी सेवा को नहीं कर सको तो दूसरा इनका सेवा करो। सही है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख बचना सुतनारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुस्थान वासा, छठा सुख है राज में पासा, सातवां सुख है बैंकुंठ में वास। अभी बताया है तीर्थ के बारे कि तीर्थ क्या है। तीर्थ वही जो पापों से ताए,
तीर्थ क्या को नाम है, अपना खोटा कर्मा को नाश कर दे, अपना पाप कर्मा ने धो दे, भी को नाम तीर्थ। तीर्थ वही पापों से तारे, तो पाप क्या है, पाप वही मन मध्य विकार, मन का विकार है, मन की मलिनता है, वो अपने पाप कर्म है। सो सत्संग तीर्थ है सत्य, दुर्गण नाचल लागे नहीं बारी, वो सत्संग है, वो साचो तीर्थ है, इम अपना पाप कर्मा को नाश होता टाइम को नहीं लागे। सत्संग में आपा जावा या तीर्थ पर जाए, कोई कोई ने पूछे भाई तू काई छोड़ रहे हो, कबा मैं तो जामुन छोड़ आयो, कोई का पेटो कोड़ो छोड़ रहे हो, ए आपा ने काई नुकसान करा हा, भी जामुन भी एक फल है, वो तो औषधि को काम कर रहे हो, अपना शरीर ने स्वस्थ बना रहे हो, और पेटो कोड़ो एक सब्जी है, आपने कोई नुकसान को नहीं कर रहे, लेकिन बाने छोड़ रहा, छोड़ बाकी चीज तो आपा छोड़ने को नहीं आया। आप पढ़ मायने काई ओगुण हो बिन तो छोड़ रहा को, बिल्कुल। तो तीर्थ पर जाओ तो क्यों न क्यों छोड़ आनो चाहिए, अपनी काई बुराई है बिन, भाई आपने में काई ऐब है ज्यादा, बिन छोड़ना चाहिए। तो मेरे खेबा को मतलब है, सत्संग में आया हो कोई चौकी बात ग्रहण कर जो, और आपने मान काई बुराई है बिन त्याग। संसार की जितनी भी वस्तु है सब सब मिल सकती है, लेकिन वो सत्संग बहुत दुर्लभ है। तात मिले, अरुमात मिले, सुत ब्रहात मिले, युक्ति सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनमान चित पाई, एहलोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, बैंकुंठ में जाई, सुंदर सब हु सुख मिले, पर संत समागम है दुर्लभ। ये संत समागम है ये बहुत दुर्लभ। सत्संग में जावा आपा, फिर भी बेकार की बातें करा, मां का भाग फूटेड़ा है। सत्संग में सुधरे नहीं जा का फूटिया भाग, अरे कुसंग में बिगड़े नहीं जा का मता है अभाग। सत्संग में जा फिर भी नहीं सुधरे मां का भाग फूटेड़ा है, अरे कुसंग में जा करके अरे बिगड़े नहीं मां का मता है के कर सत्संग कुसंग नहीं बिगड़े जो न रहे बड़ भागी। अरे साधु भाई आ सत्संग तो सदा इस बात बोले सतगुरु दीन दयाल की जय हो। सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आपने मायने काई बुराई है बार बार देख तो रणु है, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है, बुराइयों को त्यागना, अच्छाइयों को ग्रहण करना।